तो सरकार के द्वारा दिए गए ग्राम पंचायतों को शराब ठेका बंद करने के अधिकार पर जुलाना के 25 गांवों ने अमल भी कर लिया है। इन गांवों ने अपने गांव में आगामी वित्त वर्ष में ठेका ना खोले जाने को लेकर के एक प्रस्ताव आबकारी विभाग को सौंपा है। इस रिपोर्ट में नशे और शराबबंदी को लेकर हरियाणा सरकार ने इस बार अपने इरादे कैबिनेट की बैठक में पहले ही साफ कर दिए थे, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ग्राम सभाओं को शराब के ठेकों को बंद करवाने का अधिकार देना था, जिसके तहत ग्राम सभाओं को बस एक प्रस्ताव देना होगा कि वो चाहते हैं कि उनके गांवों में ठेके ना खुलें। और इसका सबसे बड़ा असर जुलाना में दिखा, जहां 25 गांवों ने मिलकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और जिले के आबकारी विभाग को यह प्रस्ताव भेजा। इस मिशन में सबसे बड़ा योगदान रहा महंतों और बाबाओं का, जिन्होंने गांव के लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। सरकार ने भी तब कदम उठाया तो हमने जो है 31 गांवों का रेगुलेशन लेकर के आज यहां पे इन्हें दिया है ताकि सरकार के पास जा और इस पर कार्रवाई हो। जिले के आबकारी विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात की हामी भरी कि जुलाना खंड से करीब 25 गांव की पंचायतों द्वारा उनके पास प्रस्ताव आए हैं कि उनके गांव में शराब के ठेके नए वित्त वर्ष 2020-21 में न खोले जाएं। इस प्रस्ताव को सरकार के पास भिजवा दिया जाएगा और आगे से जो भी आदेश आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जुलाना ब्लॉक से आज हमारे पास 25 गांवों ने रेजोल्यूशन दिया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि इन गांवों के अंदर ठेके ना खुले। इन सभी प्रस्तावों को हम सरकार पर आगे फॉरवर्ड कर देंगे और जैसे आगे आदेश होंगे उसके अनुसार ये कार्रवाई हो जाएगी। पिछले कुछ समय से ऐसी कई गांवों के लोगों, पंचायतों के साथ कई संस्थाओं ने भी गांव में शराब के ठेके खोले जाने का विरोध किया था। ऐसे में चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा भी रहा। प्रदेश में नशे को लेकर मौजूदा सरकार ने अपने अपने संकल्प पत्र में इस मुद्दे को जगह भी दी और इस पर अमल भी किया गया। ऐसे में जुलाना के इन 25 गांवों की ये पहल और भी ग्राम पंचायतों को शराब ठेकों को बंद करवाने को लेकर प्रेरित करेगी। जुलाना से जगमेश संधू, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए भी समझाते हैं कि शराब ठेकों को लेकर के सरकार की तरफ से क्या फैसला किया गया है। तो कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया था शराब ठेकों को लेकर के। यह फैसला कैबिनेट की बैठक के अंदर हुआ है। ग्राम सभा को गांव में शराब ठेके बंद करने का अधिकार कैबिनेट की बैठक के अंदर दे दिया गया। शराब ठेके बंद करवाने के लिए ग्राम सभा ही प्रस्ताव भेजेगी। यह फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और इसी पर 25 गांवों की तरफ से फैसला हुआ है। पहले पंचायतें विभाग को प्रस्ताव भेजती थी और ठेके बंद करने का पूरा निर्णय अब ग्राम सभा को ही दे दिया गया है, यानी कि ग्राम सभा ही अब इसको निर्धारित करेगी कि उनके यहाँ शराब का ठेका हो या फिर नहीं। कुल वोटर्स में से 10% मतदाताओं को ये जो प्रस्ताव है हालांकि पास करना होगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 31 में यह संशोधन किया गया है।